हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज हमारे सामने में है, हमारे साथ में है महिंद्रा की ट्रियो ऑटो। तो भाई साहब, आपके सामने में हाजिर है एक नई वीडियो, और यह महिंद्रा की ट्रियो ऑटो है जो कि इंदौर शहर में चल रही है। भाई साहब ने शानदार बड़ी सीट करवाया हुआ है, बड़ी सीट बनवाया है, ड्राइवर सीट और बीच वाली जो सीट है वो एक्स्ट्रा बनाया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह है, स्पेस है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये कितनी बड़ी सीट है, कितनी लोग इसमें बैठ सकते हैं, और बहुत ही शानदार गाड़ी है, एकदम न्यू गाड़ी है, एक महीना हुआ है, कैसी चल रही है आप देख सकते हैं। बड़ी सीट है, तीन चार सवारी आप इस पे आराम से बैठा सकते हैं। और इस पर मैं अभी बैठकर घूम रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, तो आपको वो जानकारी देता हूँ। पूरी वीडियो में बने रहें एंड तक और पूरी जानकारी को समझें अगर आपको ख़रीदना है तो। इंदौर शहर में चल रही है यह ई रिक्शा महिंद्रा की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईबी लाइव न्यूज़ पर। मैं रूपचंद साहू आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल में हमारे सामने में है महिंद्रा की ट्रियो ऑटो। आज हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी बताएँगे। और जो भोपाल की ऑटो रिक्शा है, और ये देखो एक अंकल जी ने कंबल दान किया है। तो मित्रों, ये भोपाल की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। वैसे आपने ऊपर केबिन बनवाया हुआ है और लाइट भी कलर वाली लगी हुई है बहुत सारी। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर की सीट दिखाता हूँ। ये पैसेंजर बैठने वाली सीट है, और इसके ऊपर में आपको ये साउंड का सेटअप दिख जाएगा। भाई, जब आपने ये साउंड लगवाया है कि आपने हाथ से लगाया है? नहीं, लगवाया। लगवाया है, ओके। अच्छा, ये गाड़ी हाइट भी करवाएं क्या आप? नहीं नहीं, ऐसे ही है, क्योंकि ऐसा ये दिख रहा है जॉइंट। नहीं नहीं, ऐसे ही है। अच्छा तो दोस्तों, ये जो गाड़ी की सीट है, पैसेंजर बैठने के बाद में सर में बिल्कुल भी टच नहीं होगा, काफ़ी हाइट है। और यहाँ पे बीच में एक छोटी सी सीट बनवाई गई है, जिससे कि कोई बच्चे वगैरह रहते हैं तो आप उनको बैठा सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में ये बीच में एक पट्टी लगी हुई है, और इसके अंदर कोई बीच वाली जो सवारी है पीछे नहीं जाएगी और आगे भी नहीं आएगी। इन्होंने ड्राइवर सीट भी बनवाया हुआ है, थोड़ी बड़ी करवाया गया है दोनों साइड में। एक ही सीट है, बड़ी सीट है, जिस पे आप आगे भी सवारी बैठा सकते हैं। ऊपर में केबिन लगा हुआ मिल जाएगा, जिस पे स्टेपनी भाई साहब ने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अंदर और भी लाइट है, बस इतनी है? और ये लाइट अंदर लगाया है, चार पांच लाइट लगी हुई है। अच्छा, इसको लगाने से बैटरी में कुछ दिक्कत नहीं आती? बैटरी कम ज़्यादा नहीं होती? अच्छा, तो जैसे आपने ये साउंड लगवाया हुआ है, इसका खर्चा कितना लगा है? सात हजार रुपये साउंड का? साउंड का। अच्छा, और ये लाइट वगैरह लगाने का? वो तो अपन नहीं लगानी थी, अपने हाथ से। हाथ से तो बैटरी तो खत्म होती होगी ना? बैटरी नहीं, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये अलग बैटरी है वो। अच्छा, उसकी अलग बैटरी अलग है। अच्छा, और ये केबिन का कितना पैसा लगा है? 1200 रुपये। 1200 रुपये केबिन लगाने का। चलो ठीक है। कितने साल हो गया गाड़ी को? 14 महीना। 14 महीना हो गया। तो अभी तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं आया? लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका चार्जर जल्दी ख़राब हो जाता है। नहीं नहीं, सही चल रही है। आपने 14 महीना हुआ, 4000 में कोई वो नहीं है। तो चार्जर की तो वारंटी अभी ख़त्म हो गई होगी? हाँ, ख़त्म हो गई, 1 साल की थी। अच्छा, अगर अभी चार्जर में कुछ खराबी आएगी तो आपको नया लेना पड़ेगा? नया लेना पड़ेगा, या फिर आप रिपेयरिंग करवाएंगे तो उसका पैसा लगेगा? पैसा लगेगा उसका। कंपनी वाले ने ऐसा बताया है क्या कि आप? बताया ना, बताया। 1 साल की गारंटी है, 1 साल के बाद 20,000 का चार्ज आएगा। 20,000 रुपये का? हाँ।
काफी महंगा चार्जर है। अच्छा, और आपने म्यूजिक भी लगाया है क्या गाड़ी में? क्या गाना तो कैसे बजाते हैं, थोड़ा एक बार चालू करो, कहाँ पे आपने सेट किया है वो? अच्छा तो दोस्तों ये लाइट भी लगी हुई है काफी शान, इन्होंने लाइट भी लगवाया हुआ है अंदर में देख सकते हैं। और ये अलग से आपने लगवाया पटिया? हाँ। इसका कितना पैसा लगा? 400 रुपये। 400 रुपये इसका? इसका। चलो, तो गाड़ी चलाने में कैसी है? सही है गाड़ी। सही है, कितने में पड़ी अपने को ये? पड़ी अपने का ये 4.5 लाख फाइनेंस करवाए। 4.5 लाख फाइनेंस में? हाँ। और नगद में तीन? 3.5। नगद में 3.5 लाख? 3.5। आपने फाइनेंस करवाया तो 4.5 में पड़ेगा। 4.5। तो इसके अलावा आप दूसरी कंपनी की भी ले सकते थे, आपने महिंद्रा ही क्यों लिया? अब मुझे ही पसंद आई थी महिंद्रा की। लेकिन ये तो फाइबर बॉडी है। फाइबर है लेकिन टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा जल्दी। अब आराम से चलाना पड़ता बचा के अब। अच्छा, अब लोहे की है तो वो भी टूट जाएगी। अच्छा, वही बचा के चलाना पड़ता। चलो, अभी आप 14 महीने चला रहे हैं अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली की कमाई कितनी हो जाती है? 1000-1200-1300, कभी 1500 भी हो जाती है। अच्छा, कभी 1800 जी। साइड टू इसके लिए फिर आप 2 बार चार्ज करते होंगे? हाँ, 2 बार हो जाती है। अगर ज़्यादा चलाएंगे तो भाई 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। 2 बार। अभी आप कितनी सवारी बैठा लेते हैं? 3 और एक आगे 4। 3-4 सवारी? 4-3-4। बच्चे रहते हैं तो? अब बच्चे झमेट जाते हैं। ज़्यादा वजन रहेगा तो बैटरी तो ज़्यादा खाती होगी। हाँ, ज़्यादा खाती है ज़्यादा वजन में। अभी आपके कितने किलोमीटर चल जाती है? कोई 100 किलोमीटर चल रही है अभी। 100 किलोमीटर? कंपनी ने कितने किलोमीटर बताया? 130 किलोमीटर। लेकिन 100 चल जाती है? हाँ, 100 चल जाती है। गाड़ी से आप कितने खुश हैं? बढ़िया हैं, खुश हैं। बढ़िया है। अगर कोई लेना चाहता है तो आप क्या सलाह देंगे उसको? कि नहीं तो हम सही सलाह दे रहे हैं, सही चल रही है गाड़ी, ले लो। सही चल रही है, ले सकता है? ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये जो भाई साहब हैं महिंद्रा की ट्रियो ऑटो भोपाल शहर में चला रहे हैं और काफ़ी शानदार इनका एक्सपीरियंस है 14 महीने में जो इनका चलाने का तजुर्बा है, और गाड़ी बहुत बढ़िया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, शोरूम में जाएं, गाड़ी को देखें, इंक्वायरी करें, टेस्ट ड्राइव लें, इसके बाद में आप आपके हिसाब से डिसाइड करें कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। और इन्होंने दरवाज़ा दोनों साइड से निकाल दिया है, दरवाजे नहीं है इनकी गाड़ी में, बाकी बहुत बढ़िया कंडीशन में है। तो मित्रों, मिलेंगे फिर नई वीडियो में, अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।